विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट के माध्यमों से ज्ञात तथ्यों के आधार पर देशवासी ये चिंतित हैं कि जबकि चीन ने 40 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूभाग पर कब्जा कर लिया है, सोल्जर्स को वहां पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा है, सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से वहां टेंट और उसके कंक्रीट इत्यादि दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ प्रधानमंत्री जी इस विषय से अवगत हैं कि समस्या सीमा पर उत्पन्न हो रही है, चाहे वो नेपाल के नक्शे में भारतीय भूभाग को प्रदर्शित करना हो, चाहे नेपाल की संसद में उसे पास कर लेना हो। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं ही विगत 6 वर्षों से समस्त प्रकार की विदेश नीति, राजनीति, सामरिक नीति, कूटनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित कर रहे हैं, तो देशवासी ये जरूर जानना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, पेंगोंग लेक तक अगर चाइना आ गया है, अगर गलवान वैली तक, फिंगर 8 तक चाइना ने कब्जा कर लिया है, अगर हॉट स्प्रिंग कूलात पास तक चाइना आ गया है, तो किस बात पर वेट किया जा रहा है? और रक्षा मंत्रालय के रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर 404 घुसपैठ की कोशिशें सन 2018 और 617 घुसपैठ की कोशिशें रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में हुई हैं, तो भारत सरकार संप्रभुता के विषय पर शांत क्यों है और क्यों औद्योगिक संबंधों को, व्यापारिक संबंधों को लगातार भारत की आत्मनिर्भरता को ठेंगा दिखाते हुए व्यापारिक और शत्रु संबंधों को साथ साथ विकसित किया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि अपनी नीति को देशवासियों के साथ निष्पक्ष रूप से साझा करें और उचित जवाब दें।